हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारी जो आज की क्लासेस चल रही हैं पेडागोजी पे, वो हमारी थ्योरीज़ के ऊपर चल रही हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस आप चेक कर सकते हैं बाकी थ्योरीज़ देखने के लिए। आज की जो हम थ्योरीज़ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो है हमारी हायरार्की थ्योरी, यानी कि पिरामिड थ्योरी। आपने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे या फिर बाकी चीज़ें करी होंगी, तो उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा कि हायरार्की थ्योरी किसकी है या फिर पिरामिड किसकी है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट तो आपका यही है कि हायरार्की थ्योरी किसने दी, इसका नाम क्या है, हायरार्की थ्योरी है। और सेकंड, इसको पिरामिड थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड इसको बोलते हैं पिरामिड थ्योरी। पिरामिड थ्योरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक पिरामिड न्यूमा, ये ऐसे करके जो ट्रायंगल होता है ना, उस शेप में ये थ्योरी रखी गई है। और इसके अंदर 8 स्टेजेस रखी गई हैं, ऐसे करके स्टेप 8 हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये जो मैंने ऐसे पिरामिड इसको बनाया हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर वे में मैंने नहीं बनाया क्योंकि स्पेस कम था यहाँ पे। ठीक है, तो ये पिरामिड के अंदर ये जो हमारी थ्योरी दी गई है, हायरार्की थ्योरी और पिरामिड थ्योरी इसको बोलते हैं, क्योंकि एक पिरामिड के अंदर 8 स्टेजेस दी गई है, 8 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया गया है, जो हम नीचे से लेकर चलते हैं। ठीक है, टॉप से नहीं होता है ये हम नीचे से लेके चलेंगे, हमारे सारे स्टेप नीचे से स्टार्ट होंगे। फर्स्ट बात कर लेते हैं ये थ्योरी दी किसने है, तो ये वाली थ्योरी आपकी गेग ने, ठीक है, ये थ्योरी आपके गेगने जी ने दी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हायरार्की थ्योरी और पिरामिड थ्योरी किसने दी है, आपकी गेगने ने दी है। किस उसमें दी है, पिरामिड न्यूमा उसमें दी है। कितने स्टेप्स में दी है, 8 स्टेप में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब वन बाय वन सारे स्टेप डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है और गेगने ने इसको पिरामिड थ्योरी क्यों कहा था। क्योंकि गेगने के अनुसार, गेगने ने बोला था कि जो बच्चों की लर्निंग होती है ना, वो एक पिरामिड यानी कि ट्रायंगल उसमें होती है, क्योंकि बच्चा हर चीज़ नीचे से सीखना स्टार्ट करता है। पहले कोई भी चीज़ जब वो सीखना स्टार्ट करता है बच्चा, तो वो बिल्कुल कोरी सलेट होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो लास्ट तक जाते जाते, टॉप तक जाते जाते, वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है अपने काम में, इतना माहिर हो जाता है कि उसको किसी भी चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद अपनी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने लगता है, क्या है वो उसकी लाइफ से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, अब आप खुद भी देखते हैं कि बच्चा जब स्कूल के अंदर जाता है, छोटा बच्चा, तो उसको ABCD भी नहीं आती है, लेकिन जब वो 12th पास करके निकलता है, तो वो अपने सब्जेक्ट में इतना माहिर हो जाता है, इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसको किसी और से नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं होती, उल्टा वो ही खुद को सबको नॉलेज देने के लायक बन जाता है। ठीक है, तो जो हमारा स्कूल है, स्कूल भी हमारा क्या है, एक पिरामिड नुमा यानी कि एक ट्रायंगल शेप में है, एक हायरार्की स्टेज में है, जो बच्चा नीचे से स्टार्ट करता है, फर्स्ट स्टेज से लेके, और वो लास्ट जो हमारी टॉप वाली स्टेज है, 8th स्टेज आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर की, वो लास्ट में एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनकर निकलता है, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स क्या है, खुद अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकता है। तो डिस्कस करते हैं, फर्स्ट स्टेज है हमारी संकेत यानी कि सिग्नल लर्निंग। ठीक है, गेगने ने क्या बोला था कि फर्स्ट जो लर्निंग बच्चा करता है वो संकेतों के माध्यम से करता है, मतलब सिग्नल्स उसको मिलते हैं लर्निंग करने के लिए। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, तो उसको भाषा बोलनी नहीं आती, राइट, वो क्या होता है, इशारों में बताता है या इशारे समझने पड़ते हैं। अगर उसको भूख लगी है तो मम मम, या फिर ऐसी, अगर वो परेशान होता है, उसको दूध चाहिए, तो वो रोने लगता है, वो भी क्या है, एक तरह का साइन है, अपनी मॉम को वो इसी साइन के थ्रू रोकर ये बताता है कि मुझे भूख लगी है। या फिर वो परेशान होता है, उसे टॉयलेट बाथरूम जाना होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो वो हाथ पैर इधर उधर मारने लगता है, और उसको कोई किसी चीज़ से डर लगता है तो वो सहम जाता है। ये सारे साइंस से उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली ये समझती है कि बच्चे को किस चीज़ की नीड है और किसकी नीड नहीं है। ठीक है,
तो स्टार्टिंग में जो बच्चे की लर्निंग होती है वो संकेतों के माध्यम से करता है बच्चा, कोई ना कोई साइंस के थ्रू अपनी लर्निंग करता है, दूसरों को भी वो देखकर सीखता है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो अपने घर के अंदर भी जब वो लर्निंग करता है ना तो सबको हूबहू देखकर करता है। अगर उसके पापा ऐसे हेयर स्टाइल बनाते हैं ना तो बच्चा भी वैसे ही हेयर स्टाइल बनाता है। अगर मॉम डैड कोई हरकतें करती हैं या फिर किसी चीज़ को कहीं पर रखती हैं तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली उस चीज़ को वहाँ पर रखना सीख जाता है कि ये चीज़ मेरे घर में इसी जगह पर रखी जाती है तो वहीं पर रखे। वो कैसे सीखता है, उसको बताई थोड़ी जाती है ये चीज़, उस वो क्या है अपनी मॉम डैड को देख कर सीखता है, उन साइंस को ऑब्जर्व करके सीखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पे खुद जा रहे होते हैं, आप कहीं रास्ता आप कोई अननोन जगह पर जा रहे होते हैं तो आप भी वहाँ पे कैसे जाते हैं, रोड्स पे क्या होते हैं साइंस लगे होते हैं, ठीक है, कि आपको छतरपुर जाने के लिए लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, आपको आईटीओ जाने के लिए ये वाला फ्लाईओवर क्रॉस करना है, तो आप उन साइंस के माध्यम को पढ़ पढ़ के उस जो अपना गोल है जहाँ पर आपको पहुँचना है आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो आपका मेन मोटिव क्या था कि वो लक्ष्य प्राप्त करना उन साइंस के माध्यम से, तो आपने एक वो जो रास्ता कवर किया है आपने वो भी तो एक लर्निंग की है उस रास्ते तक वहाँ पे जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे पहुँचने के लिए, तो आपने किस वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया, वहाँ पे भी आपने बोर्ड्स का यानी कि रोड्स पर जो साइन थे कि आपको राइट लेना है लेफ्ट लेना है उनका यूज़ करते हुए वहाँ पे आपने रोड मैप या गूगल मैप सर्च करते हुए वहाँ पे आपने एक तरह की लर्निंग की है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाएंगे ना तो आपको उन साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले से ही रिमाइंड रहेगा, रिकॉल हो जाएगा उस टाइम पे कि हाँ इस रास्ते में मैं पहले आया था तो यहाँ से राइट ही लेना है लेफ्ट ही लेना है, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या है उस बोर्ड को आप देखेंगे ही नहीं कि उस पे राइट लिखा है या लेफ्ट लिखा है, ठीक है। तो वो इस टाइप की लर्निंग है कि फर्स्ट स्टेज में जब बच्चा सीखता है तो वो साइंस के थ्रू सीखना स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स। देखिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स के अंदर जितना बच्चे के सामने स्टिमुलस बढ़ेगा उतना बच्चे की लर्निंग पावर बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को भूख लगी है और मेरे सामने अभी कुछ नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरी भूख की जो एक रिस्पॉन्स है ना हंगर का रिस्पॉन्स वो नॉर्मल है कि ठीक है मुझे भूख लगी है, लेकिन अगर मुझे कहीं से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए खाने की बहुत टेस्टी या मेरे सामने खाना रखो तो उतनी ज़्यादा क्या होगी मेरी भूख और बढ़ जाएगी। और बेसिकली उसमें ऐसा एक पॉजिटिव पॉइंट और ऐड हो जाए कि मेरा फेवरेट डिश रखी हो कि मुझे मटर पनीर या राजमा चावल बहुत पसंद है तो वही चीज़ सामने कोई खा रहा है मेरे या फिर कोई ऑर्डर कर रहा है या मैंने कोई पोस्टर देख लिया उसके अंदर वो सारी चीज़ें, तो बच्चे की ऑटोमेटिकली क्या है भूख वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके मुंह में सलाइवा रिलीज़ होने लगेगा, पानी आने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि जितना ज़्यादा स्टिमुलस दिया जाएगा बच्चे को उतनी उसकी ज़्यादा लर्निंग पावर इंक्रीज़ होगी। तो सेकेंड स्टेप में गेगने ने बताया है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स बच्चे को अगर आपको कुछ सिखाना है तो जितना आप उसके सामने स्टिमुलस प्रेजेंट करोगे, उसके सीखने का ड्राइव और गोल प्रेजेंट करोगे तो बच्चा उतना ही ज़्यादा एक्टिव लर्नर होगा उस चीज़ को सीखने के लिए। अगर मान लीजिए बच्चे को अभी जैसे आप हैं, आपका KVS का एग्ज़ाम आने वाला है, राइट, तो आपको नीड है कि आपको पेडागोजी पढ़नी है, आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, और मैं क्या है मैं आपको एक स्टिमुलस प्रोवाइड कर रही हूँ आपको वो आपकी नीड ख़त्म करने के लिए या आपको उस गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प कर रही हूँ कि आपको पेडागोजी और साइकोलॉजी की क्लासेस दे रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या है आपके सामने इन वीडियोज़ के थ्रू एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया है कि ये रही आपके लिए पेडागोजी और साइकोलॉजी की क्लासेस, ठीक है। तो आप उतना क्या है उतना सीखने के लिए और रिस्पॉन्स करोगे, आप सोचोगे कि एक दिन में मैं चार वीडियो देख लूं या एक वीडियो को दो दो बार देख लूं ताकि मुझे रिवीजन की जरूरत ना पड़े, परमानेंट हो जाए और एग्जाम में मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है आपके लिए ये स्टिमुलस का काम कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा मैं आपको स्टिमुलस दूंगी उतना ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्डिंग क्या है बेस्ट और पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो यही काम आपको करना है कि सेकेंड स्टेज में गेगने ही बोलते हैं कि बच्चे के सामने आप जितना ज़्यादा
पॉजिटिव स्टिमुलस प्रोवाइड करोगे बच्चा उतना ही पॉजिटिव रिस्पांस आपके सामने करेगा। जितना ज़्यादा स्टिमुलस उतना ज़्यादा रिस्पांस। अगर बहुत कम स्टिमुलस है कि ठीक है छोटा सा आपने दे दिया कि बच्चों खड़े हो जाओ बस मुझे सुनाओ या फिर ये चीज़ करो, बच्चा सुना भी देगा नहीं भी सुनाएगा, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। लेकिन अगर आप इस तरह की स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हो कि आप बोलो कि पोएम्स के थ्रू सुनाओ, कहानियाँ, एक ने बहुत अच्छी सुनाई, आपने क्लैपिंग करवा दी क्लास में सेकेंड के लिए भी, तो बच्चा क्या है सेकेंड उसमें खुद मोटिवेट होगा कि यार मैं भी फटाफट से सोच लूँ कोई कहानी कोई पोएम मैं भी सुनाऊँ, फिर मैम मेरे लिए भी क्लैपिंग करवाएंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं सेकेंड स्टेज में बच्चे के सामने आप करिए कि आप जितना ज़्यादा स्टिमुलस बच्चे को प्रोवाइड करेंगे बच्चा उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्दी रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज श्रृंखला अधिगम यानी कि चेन लर्निंग। चेन से आप समझ रहे हैं, चेन लर्निंग होती है कि एक के बाद एक एक सीक्वेंस में चेन के रूप में बांध के चलना, ठीक है। अगर आप क्लास में बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं और तो आप अगर मान लीजिए मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो बच्चे को सबसे पहले जब उसको कुछ भी नहीं आता, उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, तो आप सबसे पहले मैथ्स पढ़ाने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, उसको काउंटिंग ही सिखाएंगे ना। सबसे पहले बच्चे की स्टार्टिंग किससे होती है, काउंटिंग से होती है, राइट। आप उसको 1, 2, 3, 4 काउंटिंग करवाएंगे, 50, 100, 1000 तक काउंटिंग लर्न करवाएंगे पहले, फिर आप उसको टेबल लर्न करवाएंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई पे आएंगे, उसके बाद आप प्लस माइनस डिवाइड ये सारी चीज़ें करवाएंगे, फिर आप सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास और फिर ट्राइंगल ये सब ये सारे कॉन्सेप्ट आप उसके क्लियर करवाएंगे। क्या है आपने एक चेन बना ली है कि पहले आपको काउंटिंग करवानी है, फिर आपको टेबल करवानी है, फिर आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीज़न प्लस माइनस करवाने हैं, फिर ये करवाने हैं, तो आपने एक चेन बनाई हुई है, ठीक है। आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि बच्चे को काउंटिंग करवाई नहीं, चलो उठाओ मल्टीप्लाई के सम आपने करवा दिए। बच्चे को क्या पता टू क्या होता है, बच्चे को क्या पता मल्टीप्लाई का साइन क्या है, बच्चे को क्या पता फाइव क्या होता है। जब तक आप बच्चे को टेबल नहीं करवाओगे काउंटिंग नहीं बताओगे तो ये सारी चीज़ें तो बच्चों के लिए यूजलेस है ना, बच्चों को नहीं पता कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। तो इसीलिए आप जब भी लर्निंग करवाएं या बच्चे भी खुद लर्निंग करें तो एक चेन में करें, एक के बाद एक सीक्वेंस में करें, कोई भी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, कोरिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप विदाउट कोरिलेशन के कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो बच्चा एक चीज़ को गेन करेगा दूसरे को स्किप कर देगा, क्योंकि उसको एक ही चीज़ पता है दूसरे का उसके साथ संबंध नहीं पता। अगर मैं मान लीजिए काउंटिंग के बाद डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन सिखा देती हूँ, राइट, तो बच्चे को क्या पता बच्चे ने ठीक है 1, 2, 3 के सीख लिया और सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो उसके साइंस आएंगे तो उसका रिलेशन ही नहीं पता कि काउंटिंग और सिंप्लीफिकेशन का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है ही नहीं। काउंटिंग की बात तो सीधा टेबल का रिलेशन आता है ना कि आपने 1, 2, 3 सिखा दिया फिर उसको मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं आप, राइट। तो इसीलिए कोई भी लर्निंग करवाई जाए तो उसको एक चेन और सीक्वेंस में करवानी चाहिए, ठीक है। ये बोला है थर्ड स्टेप में हमारे गेगने जी ने। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है शाब्दिक सहचार्य अधिगम यानी कि वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। अब वर्बल एसोसिएशन लर्निंग क्या होता है कि बच्चे ने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है, जितना भी सीखा है, जितनी भी लर्निंग करी है, बच्चे कि माइंड एबिलिटी या फिर उस कॉन्सेप्ट के थ्रू इतनी एबिलिटी हो जाए कि वो अपने शब्दों में उसको डिस्क्राइब कर सके और उसको वर्बली बता सके या फिर दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में कोरिलेशन स्थापित कर सके, उसको कोरिलेट कर सके कि हाँ ये चीज़ ये है या ये चीज़ ये है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कलर्स आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कलर्स के अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं, ब्लैक आता है, ब्लू आता है, रेड आता है, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ कलर, कलर क्या है एंड व्हाट इज़ अ टाइप ऑफ कलर, कि कलर्स के कितने टाइप हैं, प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, आपस में उनको कोरिलेट करना आना चाहिए कि प्राइमरी कलर्स कैसे बनते हैं, सेकेंडरी कलर हम कैसे मिक्सअप करके बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फोर्थ स्टेप के अंदर हमारे गैगने जी ने रखी है वर्बल एसोसिएशन के अंदर, कि वर्बल एसोसिएशन के अंदर बच्चा दो कॉन्सेप्ट, दो चीज़ों को साथ में आपस में को रिलेशन करना आ सके, बच्चे की समझ इतनी उत्पन्न हो जाए कि बच्चा खुद से बता सके उसको वर्बली कि आपने क्या सीखा है, कितना सीखा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ के लिए यूज़फुल है, कहाँ के लिए नहीं है। देन फिफ्थ स्टेप आता है विभेदात्मक अधिकम, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। देखिए डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में क्या है कि बच्चा जब लर्निंग करना सीख जाता है, आपस में कोरिलेशन सीख जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या सीख रहा था बच्चा, आपस में कोरिलेट करना सीख रहा था कि कलर्स क्या हैं, कलर्स के टाइप क्या हैं, प्राइमरी कलर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें क्या है, ठीक है। विभेदीकरण में बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ब्लैक कलर डिफरेंट क्यों है ब्लू से, ठीक है। बच्चे को पता है ना, अब ये रेड कलर है, अगर मैं बताऊं बच्चे को कि ये रेड कलर है और ये वाला आपका ब्लू कलर है, तो बच्चे को अगर मैं पूछूं कि ब्लू कलर कौन सा है और रेड कलर कौन सा है, तो बच्चा बता सके ये ब्लू है, ये रेड है। ये नहीं कि ये वाला रेड बोल ब्लू बोल दे और ये वाला रेड बोल दे, ठीक है। उसको आपस में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अगर ऐसे मैं पूछूं आसमान कौन सा है, धरती कौन सी है, तो बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि आसमान ऊपर होता है, ब्लू कलर का होता है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, धरती की क्या है, हमारे अर्थ की क्या है, तो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए बच्चे को। दो चीज़ों के अंदर विभेदीकरण करना आना चाहिए, इस तरह की हमारी हमारी फिफ्थ स्टेप में लर्निंग होती है, कि बच्चे को इस स्टेज में आके, फिफ्थ स्टेप में आके वो दो चीज़ों के बीच में डिस्क्राइब करना सीख जाए, दो चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाए, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्स्थ में, सिक्स्थ स्टेप में गैगने ने बोला है प्रत्यय अधिकम, यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंदर गैगने जी ने बोला है कि फिफ्थ के बाद सिक्स्थ स्टेप में बच्चे की मेंटल एबिलिटी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना हो जाता है कि बच्चा कॉन्सेप्ट लर्निंग करना सीख जाता है। अगर मैं बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो बच्चा उसके को डीपली समझना, डीपली डिस्क्राइब करना, डीपली एक्सप्लेन करना, डीपली प्रूफ करना या डीपली डिस्कवर करना, ये सारी चीज़ें खुद से कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बच्चे को ये पढ़ा रही हूँ कुतुब मीनार के बारे में, ठीक है, तो बच्चे को सिक्स स्टेप में कॉन्सेप्ट लर्निंग वाली स्टेप में, यानी कि संप्रत्यय सिद्धांत वाले स्टेज में, बच्चों को केवल मैं इतना नहीं बताऊंगी कि कुतुब मीनार कहाँ है दिल्ली में, ख़त्म। सिक्स स्टेप में मैं बच्चे को कुतुब मीनार क्या है, कुतुब मीनार किसने बनवाया, कौन से सन में बनवाया, उसको बनवाने का मोटिव क्या था, वो किन धातुओं से बना है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे और चीज़ें क्या हैं, और ये सारी चीज़ें डीपली उसके बारे में बता सकती हूँ। और बच्चा भी उतनी मेंटल एबिलिटी के थ्रू इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बच्चे को ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि हाँ कुतुब मीनार क्या है, कौन से सन में बनवाया गया, किस लिए बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया, ये सारी चीज़ों के ऊपर कॉन्सेप्ट लर्निंग कर सके। वो ये सारी चीज़ें भूलेगा नहीं, अगर भूल भी जाएगा तो अगर बच्चे को आप रिवीजन करवाते हैं प्रॉपर, तो बच्चे को रिकॉल करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो गैगने के अनुसार सिक्स स्टेप में संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंदर बच्चे को आप डीपली कोई भी चीज़ आप बता सकते हैं, इतना स्टेबिलिटी बच्चे के अंदर हो जाती है। उसके बाद आता है सेवन्थ, यानी कि नियम अधिगम, यानी कि रूल लर्निंग, ठीक है। सेवन्थ स्टेप के अंदर बच्चे को रूल लर्निंग करनी आ जानी चाहिए, रूल लर्निंग पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ हम अपने रूल और रेगुलेशन से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे को पता है कि ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक के रूल्स क्या होते हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो उसके रूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पता है, तो मतलब उसका सेवेंथ स्टेप यानी कि रूल लर्निंग प्रॉपर वे में हो चुकी है। देखिए कोई भी चीज़ करने के लिए जो हमारा सबसे पहले चीज़ होती है वो होती है रूल्स।
अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं तो उसके भी कुछ रूल्स हैं कि आपको ब्रेक कब लगाने हैं, किस सिग्नल पे आपको कब रुकना है, रेड लाइट पे कब रुकना है और ऑरेंज पे आपको कब एक्टिव रहना है, ग्रीन पे आपको कब चलना है। सिग्नल्स के अलग, ट्रैफिक रूल्स अलग होते हैं ये अपने, और आपको गाड़ी भी सीखनी है तो उसके रूल्स अलग होंगे, आपको घर में कुकिंग सीखनी है तो उसके रूल्स अलग होंगे। हर चीज़ के रूल्स और रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए कि कोई भी आप लर्निंग कर रहे हैं तो उसके अंदर फर्स्ट आपका रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। आप किसी भी चीज़ को करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन को ही फॉलो करोगे तभी आप किसी चीज़ को प्रॉपर वे में सीख पाओगे। अगर मैं आपको अभी ये पिरामिड थ्योरी या हायरार्की थ्योरी पढ़ा रही हूँ तो इसका भी फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया था कि हम नीचे से स्टार्ट करते हुए टॉप तक जाएंगे, कि बच्चा यहाँ से कैसे लर्निंग स्टार्ट करता है अपनी और वो टॉप तक कैसे जाता है। लेकिन अगर पिरामिड ऐसे बना हुआ है तो ये नहीं ना कि कोई बच्चा बोले कि नहीं मेरा मन तो ऊपर से सीखने का है, मैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग रूल लर्निंग यहाँ से सीखूँगा, तो वो तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि वो इस पिरामिड का वो रूल ही नहीं है। पिरामिड लर्निंग के लिए आपको फर्स्ट रूल यही है कि आपको नीचे से ही सीखना पड़ेगा, कि संकेत सीखता है बच्चा, फिर स्ट्रीमलेस आता है, फिर चेन आती है, फिर वर्बल लर्निंग, फिर डिस्क्रिप्शन आता है, फिर कॉन्सेप्ट आते हैं, उसके बाद रूल लर्निंग आती है। ये सारी चीज़ें आपको क्या है, वन बाय वन सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी। हायरार्की क्या होता है, आपकी स्टेजेस होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, आपको वो कवर करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो सेवेंथ स्टेप आपको क्लियर हो गया कि सेवेंथ स्टेप में गेगने ने बताया था कि नियम अधिगम होना चाहिए, रूल लर्निंग आनी चाहिए बच्चे को, किसी भी चीज़ की चीज़ सीखने के लिए बच्चे को रूल्स और रेगुलेशन पता होने चाहिए कि ये चीज़ को करने के इसके प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं। लास्ट स्टेप हमारा है समस्या समाधान, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के अंदर क्या होता है, बच्चा उस अपने लास्ट स्टेप पे होता है एट में, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद बच्चा इस स्टेप में आके इतना स्टेबल हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकता है। उसको पता होता है ये चीज़ क्या है, क्या है। अगर अभी मान लीजिए बच्चे ने रूल्स रेगुलेशन सीख लिए किसी चीज़ के, और बच्चे ने गाड़ी चलानी सीख ली, ट्रैफिक रूल सीख लिए, बाकी सब, तो लास्ट उसमें जब अगर मम्मा उसको बोलेंगी ना एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, जब बच्चा होगा तो उसकी मम्मा उसे बोलती है कि बेटा ये जाके मार्केट से ले आओ, तो वो फटाफट गाड़ी की चाबी उठाएगा, गाड़ी निकालेगा और अपने वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए जो उसने पहले चीज़ें सीखी है, सिग्नल्स को आगे मतलब ऑब्जर्व करते हुए, अगर वो किसी अननोन प्लेसेस पर जा रहा है तो सिग्नल्स को ऑब्जर्व करते हुए, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए क्या है, अपने लास्ट गोल तक पहुँच जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। अगर वहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी भी पड़ती है कि रेड लाइट काम नहीं कर रही है, तो वो जो वहाँ पे ट्रैफिक हवलदार होता है उसके सिग्नल्स को समझेगा कि वो कैसे कब ऑरेंज और रेड लाइट कर रहा है, तो मेरे को कब जाना है कब नहीं जाना है, ठीक है। अगर उसको कहीं पर रास्ते में जाने के लिए वो लेफ्ट और ये सारे चार्ट रूट्स नहीं मिलते हैं तो वो गूगल मैप कर सकता है। ये सारी चीज़ें वो क्या है, अपने माइंड से खुद सॉल्व करेगा, उसको कोई बताएगा नहीं कि अगर आपको यहाँ पे कोई चार्ट वगैरह नहीं दिख रहे हैं, साइंस नहीं दिख रहे हैं कि आप छतरपुर जाने के लिए लेफ्ट लीजिए राइट लीजिए, तो आप क्या है गूगल मैप करिए, डायरेक्शन सर्च करिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वो खुद इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बच्चा खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है, ठीक है। अब ये वाली वीडियो के अंदर फर्स्ट की ये थ्योरी किसने दी थी, आपकी गेगने ने दी थी, हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। गेगने जी ने आपकी ये थ्योरी दी है। गेगने जी की थ्योरी क्या थी, हायरार्की और पिरामिड थ्योरी, जिसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको ये सारे पता होने चाहिए कि जो एग्ज़ाम में आते हैं वो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि गेगने की थ्योरी के अंदर जो सबसे फर्स्ट स्टेप पे उन्होंने चीज़ रखी है वो क्या रखा है, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप हमारा संकेतों का यानी कि सिग्नल लर्निंग का है, और इसके अंदर इसमें ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टॉप और बॉटम आपको पता है पूछते हैं, तो टॉप पूछ लेते हैं कि टॉप पे बच्चा क्या होता है एज अ गेगने थ्योरी, तो आपको पता होना चाहिए कि एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, तो अकॉर्डिंग टू गेगने थ्योरी
और उसके बाद फोर ये फिफ्थ स्टेप का पूछ लेते हैं कि फिफ्थ स्टेप पे या फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग, सबसे इम्पॉर्टेंट कि कॉन्सेप्ट लर्निंग करना बच्चा गेगने थ्योरी के अकॉर्डिंग कब करना सीखता है, तो कॉन्सेप्ट लर्निंग आपकी सिक्स स्टेप में करना बच्चा सीख जाता है। तो आपको वन बाय वन ये चीज़ लर्न होनी चाहिए, और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप ऐसे लर्न करेंगे तो शायद मिसप्लेस हो जाए कोई चीज़, तो आप इसको कोरिलेट करके खुद भी पढ़िए कि सिग्नल, स्टिमुलस, चेन, वर्बल डिस्क्रिप्शन, ऐसे करके किसी ट्रिक के थ्रू लर्न करेंगे तो आपको बहुत इजी वे में लर्न हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम में आपसे पूछेंगे कि सिक्स स्टेप में या सेवन स्टेप में या फोर्थ स्टेप में कौन सी चीज़ रखी थी, तो आप बहुत इजीली बता देंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो सभी को पता होगा कि फर्स्ट आपका स्टेप हो गया और लास्ट आपका एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर हो गया, लेकिन इसीलिए ये सारी चीज़ें कम पूछते हैं फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि वो सभी को पता होती है। तो मिडल वाली कोई चीज़ पूछ लेते हैं डिफ़िकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन को, तो आप मिडल वाली अपने ट्रिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।